मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, और भी नेटवर्किंग की बहुत सारी वीडियो आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता था, अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया जाता था, ठीक है। क्यों करते थे हम लोग कि डेटा कोलैप्स ना हो, कॉल कोलैप्स ना हो, फिर भी वहाँ पे कॉल क्रॉस कनेक्शन कॉल लग ही जाते थे। टाइम डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग यूजर के मैसेज को अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। आप देख सकते हो अलग अलग यूजर्स के मैसेज को, मान लो सेम फ्रीक्वेंसी में ही जा रही है तो अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड करने से क्या होता है कि क्रॉस कनेक्शन वाली जो प्रॉब्लम थी वो हट जाती है, हम क्रॉस कनेक्शन यहाँ पे नहीं देखना पड़ता है। वीडियो का इस टॉपिक का डेफिनेशन आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, वही मैंने लिखा हुआ है। इन TDM ईच यूजर ऑफ चैनल इज अलॉटेड ए स्मॉल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच इट मे ट्रांसमिट ए मैसेज। आप फिर से समझ लो, जो भी मैसेज होता है यूजर वन का, यूजर टू का, यूजर थ्री का, बहुत सारे यूजर्स हैं तो सबके मैसेज को अलग अलग टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिया जाता है। मल्टीप्लेक्सिंग का ही ये तो पार्ट है, मल्टीप्लेक्सिंग का ही ये तो टेक्निक है। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, मल्टीपल यूजर डेटा अपना भेज सकते हैं सेम टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, एक डेडिकेटेड लाइन पे, और मल्टीपल यूजर सुन सकता है। यानी मल्टीपल कनेक्शन को करने के लिए हम लोग, मल्टीपल डेटा को भेजने के लिए हम लोग मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करते हैं, और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग उसी का एक पार्ट है, एक अच्छा पार्ट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिकॉज सब यूजर के लिए एक इंडिविजुअल टाइम स्लॉट है तो बैंडविड्थ का फुल यूटिलाइजेशन होता है। बैंडविड्थ का फुल यूटिलाइजेशन होता है तो ऑडियो की क्वालिटी क्या होती है, सिग्नल की क्वालिटी क्या होती है, बहुत ही अच्छी सुनाई देती है, ठीक है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये वाला फिगर को बनाओगे, आप देख सकते हो ये फ्रीक्वेंसी है, एक ही फ्रीक्वेंसी में अलग अलग यूजर्स को अलग अलग टाइम स्लॉट में बांट दिया गया है, ठीक है। तो कॉल कोलैप्स करने का यहाँ पे डर नहीं रहता है। तो इसकी एडवांटेज क्या है, बहुत सारी एडवांटेज है। सिंगल लिंक है, सिंगल लिंक में ही अलग अलग टाइम डिवीजन में बांट दिया गया है मैसेज को, ठीक है, सिंगल लिंक होता है। तो इट डज नॉट रिक्वायर प्रिसाइज कैरियर मैचिंग टूल्स, एक अलग से कैरियर मैचिंग टूल्स दो बोथ एंड में हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। यूजर फुल बैंडविड्थ का यूटिलाइज कर सकता है, बैंडविड्थ का फुल यूटिलाइज कर सकता है, क्यों, क्योंकि अलग अलग टाइम स्लॉट है, ठीक है। मान लो 10 बजे यूजर वन का मैसेज जाएगा, 10:12 में यूजर टू का मैसेज जाएगा, अलग अलग टाइम स्लॉट है, अलग अलग टाइम इंटरवल है, तो फुल बैंडविड्थ का यूटिलाइज कर सकता है, करता है, ठीक है। There are no need to include identification, हाँ, of trap, identification की जरूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा पैकेट किसका है, ठीक है, कौन सा पैकेट किसका है, तो ये अलग अलग टाइम स्लॉट पहले से डिवाइड कर दिया गया है, तो उतना ये वाले पॉइंट का बहुत अच्छा पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को आप लोग लिख सकते हो एडवांटेज, यानी किस पैकेट का आइडेंटिफिकेशन क्या है, किसका है, उतनी जानकारी देने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। अब डिसएडवांटेज क्या है, द सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है, क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कॉस्ट, इसकी जो सेटअप कॉस्ट होती है वो इनिशियल लेवल में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, इनिशियल लेवल में बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, अलग अलग टाइम सबको डिवाइड करो, ठीक है, एक ही सिंगल लाइन पे, एक ही सिंगल तार के द्वारा हम लोग भेज रहे हैं, एक ही सिंगल मीडियम के चैनल के द्वारा हम लोग मैसेज को भेज रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मेरा एक ट्रैवल चैनल भी है सफ़र विथ मयंक, उसे भी जाके देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। और ऐसे ही मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। डिटेल वीडियो चाहिए न्यूमेरिकल वाले, आप लोग को नहीं पढ़ना, जो बच्चे BCA MCA कर रहे हैं इग्नू से उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो बच्चे गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो PhD कर रहे हैं, उनको न्यूमेरिकल चाहिए इसकी, आप वो लोग मुझे मैसेज करें इंस्टाग्राम पर, मैं उन्हें सेंड कर दूँगा। तो जल्दी मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।